जब निर्भया कांड हुआ था तो स्मृति ईरानी जी ने मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजी थी, तो आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, स्मृति ईरानी जी आज आप कहाँ हैं? आज क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि आप मोदी जी को चूड़ियाँ भेजें, मोदी जी को चूड़ियाँ भेजें, मोदी जी को चूड़ियाँ भेजें, योगी जी को चूड़ियाँ भेजें, योगी जी को चूड़ियाँ भेजें, योगी जी को चूड़ियाँ भेजें? महिलाओं के साथ हमेशा बेइंसाफी होती आई है। अब देखिए, हमारे जो पिछला हमारे एक सर्वे के मुताबिक पिछले साल जो महिलाओं के साथ रेप हुए हैं उसमें 3,27,690 केस जो हैं महिलाओं के अभी तक सरकारी कागजों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूँ वंदना हंस। आज एक बार फिर से जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की महिला विंग की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथरस की बात करें तो हाथरस का मसला जो है इस वक्त गरमाया हुआ है, ना सिर्फ यूपी की बल्कि जम्मू की भी बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी लोग रोष में है, गुस्से में है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएँ जो है यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी आपको। चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि आज इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार ये प्रदर्शन कर रही हैं। जी मैम, पहले भी आपने इसी बात पर प्रदर्शन किया मनीषा वाल्मीकि को लेकर, आज भी आप कर रहे हैं, किस तरह से आप लेती हैं कि भाजपा सरकार क्या उसे न्याय दे पाएगी? देखिए, मोदी योगी जी के राज में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, जबकि इन्होंने हमारे साथ एक वादा किया था कि महिलाओं को हम पूरी तरह से सुरक्षा देंगे जब बीजेपी की सरकार आएगी। तो अब 7 साल हो गए इनकी सरकार को आते हुए और आप देख लीजिए महिलाओं की जो दशा वैसी है, कोई उसमें सुधार नहीं आया। आए दिन रेप और जो मर्डर की घटनाएँ वो होती रहती हैं। तो एक सोचने वाली बात है कि महिलाओं की ये दशा और ये लोग जो इनके नारे हैं, जो दावे हैं, जो बड़े बड़े जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके नाम पे इन्होंने करोड़ों अरबों रुपये खर्च किए, और अगर वही पैसा ये महिलाओं की सुरक्षा में लगाते तो ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होता। और ये मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ, जब निर्भया कांड हुआ था तो स्मृति ईरानी जी ने मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजी थी, तो आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, स्मृति ईरानी जी आज आप कहाँ हैं? आज क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि आप मोदी जी को चूड़ियाँ भेजें, योगी जी को चूड़ियाँ भेजें? क्योंकि आपके राज में ही अब सिलसिलेवार तरीके से जो है ये रेप और मर्डर की घटनाएं हुई हैं, और हमें अब, मैं तो ये कहती हूँ कि हमें अब लगता है कि हमें अपनी सुरक्षा अब खुद ही करनी पड़ेगी, खुद ही दुर्गा बनना पड़ेगा, खुद ही पद्मावती बनना पड़ेगा, खुद ही रानी लक्ष्मीबाई बनना पड़ेगा, तभी हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और इस जो कांड है, ये जो हुआ है हाथरस का, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और यही चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि जो बेटी है उसको भी न्याय मिले और परिवार को एक जो सुकून है वो मिल सके। मैम, यहाँ पर आपने एक स्लोगन लगाया है, दलित विरोधी बीजेपी सरकार, क्या ये सच में सही है कि दलितों को पसंद नहीं करती है बीजेपी सरकार या दलितों को न्याय नहीं मिलेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बीजेपी सरकार हमेशा कौमों के बीच में बंटवारा करती है। जैसे पहले 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तभी भी कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर ही एक टारगेट किया गया था, तो देश के टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान और मुसलमान बन गया। आज भी वही चीज़ है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई लगाई जाती है, छोटी छोटी कौमों के जो लोग हैं, दलित लोग हैं, महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है क्योंकि उनको अपने उहदे की दोस्त बताई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सच ही है कि बीजेपी जो सरकार है वो मतलब सूट बूट वालों की सरकार है, गरीब लोगों की नहीं। जहाँ सभी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं, उनको क्या जवाब देंगी आप, किस तरह से इस बात को लेती हैं? क्योंकि जो मनीषा हैं, मनीषा वाल्मीकि, वो मरते समय जब उनकी मृत्यु हुई वो पहले से ही वहाँ पर बयान दे चुकी थी कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन अब एक और बात फैल चुकी है कि उनके साथ बलात्कार हुआ ही नहीं, इस बात को आप किस तरह से कहेंगी? देखिए, लड़की ने जो आपने लास्ट श्वास में जो आपने बयान दिए उसमें तो उन्होंने यही कहा था कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, क्योंकि लड़की ने तो झूठ नहीं बोला। लेकिन जो जितनी भी महिलाएं हैं जहाँ सियासतदान लोग हैं वो अपने आप को बचाने के लिए बलात्कार को बोलने की बलात्कार नहीं हुआ, तो ये तो एक बड़ी शर्मनाक घटना है, क्योंकि महिलाओं के साथ हमेशा बेइंसाफी होती आई है। अब देखिए, हमारे जो पिछला हमारे एक सर्वे के मुताबिक पिछले साल जो महिलाओं के साथ रेप हुए हैं उसमें
90 केस जो हैं महिलाओं के अभी तक सरकारी कागजों में पेंडिंग पड़े हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें अभी तक 27 फसीदी ही ऐसे केस हैं जिनको जिनमें उनको सुनवाई की गई है, और बहुत सारे ऐसे केस हैं जो दहेज के केस अगर आप देखेंगे महिलाओं के प्रति अत्याचार जो हुए उन महिलाओं को मार दिया गया, वो सिर्फ जो केस हैं वो 5 से लेकर 7 फसीदी ही जो ऐसे लोग हैं जिनको आज तक सज़ा सुनाई दी गई है। तो आप देखिए बहुत सारे कांड हो रहे हैं, पीछे भी अगर आप देखेंगे एक बाल शोषण में वहाँ पे हमारी जो छोटी छोटी लड़कियाँ थी उनका रेप हुआ, 16 लड़कियों का रेप हुआ, उसमें एक 7 साल की बच्ची थी जिसको उन्होंने दफना दिया गया। तो क्या हुआ उन लोगों को, क्या उन लोगों को सज़ा मिली? नहीं, उन लोगों को सज़ा नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जिम्मेदार है, भाजपा सरकार एक समय था जब ये चुनाव रैली में इन्होंने ये कहा था कि आप भाजपा सरकार आएगी हमारी यहाँ की माँ बेटियाँ जो हैं वो सुरक्षित नहीं है, हमारी सरकार लाइए, हम ऐसा कानून बनाएंगे यहाँ से हमारी बेटियों को न्याय मिल सके। आज कहाँ गया वो कानून, कहाँ गया वो? लेकिन ये सिर्फ खोखले दावे हैं, हकीकत में कुछ भी नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि जो बेटियाँ और महिलाएं हैं वो आज भी हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल आ रहा है, कहाँ गई सरकारें, कहाँ गए वो बड़े बड़े वादे जो कहते थे कि बेटियाँ सेफ रहेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आज इसी बात को लेकर मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के महिला विंग और साथ ही साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भी यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आप देख सकते हैं कि हाथरस कांड जो हुआ है वहाँ पर न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहे स्प्रिट न्यूज़ के साथ, नॉन स्प्रिट न्यूज़। नमस्कार।